फ्रेंड्स, दिस इज प्रेरणा दुबे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर। तो आज आपकी प्रोफेसर ऐसा वीडियो लाई है जिसे देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। आखिर क्या है इस वीडियो में, जानने के लिए जाना होगा हमें हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में रखे हुए ब्लाउज पीस का क्या यूज करना है। तो देखिए, मेरे पास में ये दो ब्लाउज पीस हैं, तो मैं इससे बनाऊंगी सुंदर से कुशन कवर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस कुशन का कवर बनाना है उसका हमें पूरा मेजरमेंट ले लेना है, और हमें चाहिए शॉपिंग बैग। आप इसकी जगह पुराने दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, 15x15 का मेरा ये है कुशन। तो इसमें 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें करनी होगी कटिंग। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को लूँगी जो प्रिंटेड है, यानी कि जो ब्रॉकेट का कपड़ा है। तो देखिए, इसे डबल फोल्ड करके मैं कटिंग करूंगी ताकि हमारे दोनों पीस एक साथ निकल जाएं। अब देखिए, 15x15 का तो हम इसमें 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 16x16 का हम ये बॉक्स बना के और कटिंग कर लेंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो उस तरफ की कटिंग तो मैं निशान पे ही कर लूँगी, और नीचे की जो कटिंग है उसमें 0.5 इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर लूँगी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको बताती हूँ जो कि होती हैं बहुत काम की। तो देखिए, मैंने एक के ऊपर एक रख के प्लेन वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। अब मैं ये जो ब्रॉकेट का कपड़ा है इसे मैं तिकोना अम्ब्रेला शेप में फोल्ड करूंगी, और इस पे चौक से निशान लगा के इसे कट कर लूंगी। इसी तरह से मैं प्लेन वाले पार्ट को भी कट कर लूंगी। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए, जो शॉपिंग बैग कट किया था उसके ऊपर कुशन रख के उसे भी कट कर लूंगी। अब ये जो बैग का पार्ट मैंने कट किया है इसे मैं 2 इंच आगे के पार्ट से ज़्यादा कट करूंगी, और इसको देखिए, आप देख रहे हैं कि सेंटर से नहीं, मैंने थोड़ा नीचे की तरफ से इसे कट किया है। तो ये क्यों किया है ये आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि आज के जो कुशन कवर मैं आपको बता रही हूं वो बिना जिप के हैं। तो हम चलते हैं मशीन पे। सबसे पहले तो हम फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे और स्टार्टिंग करेंगे बैक पार्ट से। तो हमने जो बैक पार्ट में भी एक कट दिया है, सबसे पहले उसे नीचे की तरफ से फोल्ड करके बिल्कुल पतला पतला स्टिच कर लेंगे। इसके पहले मैं एक जिप वाला कुशन कवर आपको बता चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको बिना जिप का कुशन कवर बनाना सिखा रही हूँ। अब देखिए, मैंने ये जो तिकोना कट किया था तो इसमें मैं एक ब्रॉकेट का कपड़ा लूंगी और एक प्लेन कपड़ा लूंगी, इसको आपस में मिला के स्टिचिंग कर दूंगी। इसके बाद में इसे सीधा करके इसके ऊपर अच्छा लुक आए इसलिए मैं एक लेस भी लगा सकती हूँ। आप इस लेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा ये पार्ट रेडी है। अब इसके ऊपर मैं जो शॉपिंग बैग है उसे स्टिच करूंगी। तो आप इसकी जगह पुराने दुपट्टे का या बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो बैक पार्ट है, आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ से थोड़ा सा छूटा हुआ है, वो क्यों है आगे आपको समझ आएगा। इसे रख के मैं सिल लूंगी। अब ये जो छोटा पार्ट था इसको मैं इसके ऊपर जो सिलाई का पार्ट है उसे मिलाते हुए स्टिचिंग कर लूंगी। आप देख रहे हैं कि इसको हमें एक के ऊपर एक रखना है, यानी कि जो अंदर का पार्ट है उसके ऊपर ही मैं ये छोटे वाले पार्ट को रख के और स्टिचिंग करूंगी। मेरे लास्ट वीडियो का सही आंसर दिया था सोना मुखर्जी जी ने। थैंक यू सोना जी कि आप स्टिचिंग प्रोफेसर को इतने अच्छे से फॉलो कर रही हैं। अब देखिए, स्टिचिंग के बाद में जो कपड़ा इधर उधर से एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद में इसे मैं सीधा करूंगी। तो हमें सीजर की नोक से इसके कोने अच्छे से निकाल लेने हैं। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूं आपके कमेंट्स का। तो चलते हैं मेरे ड्राइंग रूम की तरफ और देखते हैं कि हमारे कुशन कवर का लुक कैसा आया। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको ब्लाउज पीस का यूज करके कितने सुंदर कुशन कवर बनाना सिखाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।